नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कैपेसिटर के चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का वर्किंग मॉडल जो आप अपने प्रैक्टिकल्स में बना सकते हैं। तो कंपोनेंट्स एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। एक 9 वोल्ट की बैटरी है, दो हमने एलईडी ली है डिफरेंट कलर्स की ली है, एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर की वैल्यू 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। और दो स्विच है, दो रेजिस्टेंस लिए हैं हमने, उनकी वैल्यू 1K मतलब 1000 किलो ओम है। तो एक बार मैं इसको बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको ये जो बैटरीज है इनको इनके कनेक्टर्स के साथ कनेक्ट करके जैसा ये डायग्राम है उसी हिसाब से सारे इसका कनेक्शंस कर देना है, ठीक है। कनेक्शंस करने के बाद इसमें एक दिक्कत आएगी, आप अगर इसको कनेक्ट चलाएंगे तो सब कुछ चलेगा, बट जो हमारा जो ग्रीन वाली एलईडी है वो ग्लो नहीं करेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेजिस्टेंस है इसको हटाना पड़ेगा। हमने इसमें हटाया नहीं है क्योंकि सारा सर्किट बन गया था तो इसको ऐसे ही रखा है, बट हमने जो रेड रेड वायर है उसको हमने डायरेक्ट ग्रीन के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है, मतलब रेजिस्टेंस का इसमें यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। जो ग्रीन एलईडी है उसके साथ जो रेजिस्टेंस है उसका यूज़ नहीं हुआ है, उसको आप हटा देंगे तो ये बेटर वर्क करेगा। एक बार मैं वर्किंग बता देता हूँ उसकी कैसे आएगी। जैसे आप अभी ये दोनों स्विच ऑफ कंडीशंस में हैं, इसको आपको ऑफ रखना है और इसको ऑन करेंगे तो ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी कैपेसिटर की। ये देखो ग्रीन लाइट ग्लो करके एक बार बंद होगी तो ये चार्जिंग हो रही है अभी 5 से 7 सेकेंड, इतने देर में चार्ज हो गए। इसको अभी कर देंगे बंद यहाँ से, ठीक है। तो इसको बंद करने से क्या हुआ, हमारा जो बैटरी के कनेक्शंस है वो हो गए बंद, वो कट हो गया वहाँ से, और अब कैपेसिटेंस में जो चार्ज इकट्ठा हुआ है उससे हमारी एलईडी ग्लो करेगी रेड कलर की। ये देखो ये ग्लो कर रही है, धीरे धीरे बंद होगी, ये सारा डिस्चार्ज हो जाएगा, इसके अंदर कोई करंट नहीं बचेगा अभी। तो ये था हमारा मॉडल, वर्किंग मॉडल। आपको कोई भी इसमें डाउट है, कोई भी आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी कोई आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।